दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अनबॉक्सिंग और रिव्यू रीकनेक्ट के इसी 5000mAh के पावर बैंक का। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश, आप देख रहे हैं टेक टू एक्सप्लोर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉक्स की जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह से, ऊपर लिखा हुआ नाम आता है रीकनेक्ट, जहाँ पे लिखा हुआ है पावर बैंक 5000mAh, और नीचे की तरफ आप देख सकते हो कि वारंटी लिखी है यहाँ पे 1 ईयर की। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से दिखने वाली ये पावर बैंक, साइड में लिखा है रीकनेक्ट पावर बैंक 5000mAh। फिर एक बार बात करते हैं यहाँ पे पीछे की तरफ की, तो सबसे ऊपर लिखा हुआ आता है रीकनेक्ट पावर बैंक 5000mAh, उसके नीचे लिखा है पावर बैकअप, तो जो लिखा है यहाँ पे फुल चार्जेस योर मोबाइल 1.5 टाइम्स। नीचे की तरफ लिखा है USB पोर्ट के बारे में, जो कि लिखा है चार्जेस योर डिवाइस फास्टर एट 2 एम्पियर। और इसके बाद में आता है आपका LED इंडिकेटर, तो इसके ऊपर जो इंडिकेटर दिया गया है आपकी बैटरी कितनी बची है या फिर आपको कितनी और चार्ज करनी है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ तो कुछ भी नहीं लिखा है, इस साइड में यहाँ पे लिखा है इसकी प्राइस को, जो कि है 1199 रुपये। प्रोडक्ट लिखा है नीचे पावर बैंक 5000mAh का, फिर लिखा है मॉडल, मंथ एंड ईयर मैन्युफैक्चर, और नेट क्वांटिटी में लिखा है इसमें बॉक्स के अंदर आपको मिलता है एक पावर बैंक और एक चार्जिंग केबल। तो चलिए झट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं हम। तो कुछ इस तरह से जो है ये रीकनेक्ट की पावर बैंक दिखती है, जो कि 5000mAh की। तो 5000mAh मतलब आप जो अपना मोबाइल है तो वो 1 से 2 बार इसमें चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की चार्जिंग केबल मिलती है, यहाँ पे टाइप सी का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो आपको जो केबल मिलती है वो है USB टू माइक्रो USB। तो बात करते हैं नीचे की तरफ मेन प्रोडक्ट की, तो जो कि है ये रीकनेक्ट का पावर बैंक, जो कि है 5000mAh के बैटरी की कैपेसिटी के साथ में। तो साइड में जो बटन दिया गया है, अगर आप उसको 3 सेकेंड्स तक होल्ड करते हो तो ऊपर की तरफ ये टॉर्च जो है वो ऑन हो जाती है, और अगर आप फिर से उस बटन को प्रेस करते हो तो सामने वाले डिस्प्ले के ऊपर आपको दिखाई देता है कि बैटरी के कितने परसेंटेज जो है वो बचे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैटरी जो है वो 50% पे है अभी। अगर आप उसी बटन को फिर से 3 सेकेंड्स के लिए दबाते हो तो ऊपर की टॉर्च जो है वो ऑफ हो जाएगी। तो बात करते हैं पीछे की तरफ की, तो पीछे की तरफ ज़्यादा तो कुछ कंटेंट लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आउटपुट, जो कि है 5 वोल्ट और 2 एम्पियर का। तो बात करते हैं एक बार इसके डिज़ाइन की, तो बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन बनाया गया है रीकनेक्ट की तरफ से, और मुझे तो ये काफ़ी पसंद आ गया है। बात करते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आपको टॉर्च मिलती है, और उसके साथ में नीचे की तरफ जो है आपको माइक्रो USB मिलती है इसके चार्जिंग के लिए। और बात करते हैं यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग की, तो इसके साथ जो केबल मिलती है तो वो मैं आपको एक बार यहाँ पे इसको लगा के आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इसको ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो मैं एक बार मोबाइल में इसको आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये ऑन ही है, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो है चार्जिंग का काम करता है। तो मैंने ये जो रीकनेक्ट का पावर बैंक है, इससे मैंने अपना खुद का मोबाइल जो कि वीवो का V15 Pro, वो भी मैंने चार्ज करके देखा है, और वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है पावर बैंक। तो यहाँ पे बात करते हैं इसके चार्जिंग के, तो चार्जिंग करने के लिए आपको जो केबल ये मिली है वही केबल आपको ऊपर की तरफ लगानी है, और अगर आपके घर पे कोई और चार्जिंग का सॉकेट हो तो उसमें आपको इसमें डाल देना है। तो मेरे पास और एक MI का मोबाइल है, तो उसका चार्जर जो है मैंने इसको लगा दिया है, और इसको आप सीधा लगा सकते हो सॉकेट में और आप बड़े आराम से चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी ये 50% पे और ये चार्जिंग हो रहा है, तो कुछ इसी तरीके से जो आप इसको चार्ज कर सकते हो। तो बात करते हैं यहाँ पे इस पावर बैंक की कीमत की, जो कि है 699 रुपीज़। अगर आप इस पावर बैंक को ख़रीदते हो अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट से, तो हो सकता है वहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाए, और अगर आपको ये पावर बैंक ख़रीदनी है तो आप ख़रीद सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पावर बैंक है ये रीकनेक्ट की तरफ से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आ गई है। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलना। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।